क्या आया पुत्र? तू भी सुन, तेरे बेटे की काम करड़ा। अरे उस कमरे में एक लड़की है, उसे पहले गर्भवती बनाया और उस मामले को रफा दफा करने के लिए उससे पैसे दे रहा है। ये तो भगवान की कृपा है मुझ पे कि इसे रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। अजी गलत बात है, गलत बात है। मैं आपको सच्ची सच्ची बात, अरे कौन सी सच्चाई बताओगे? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी ठीक देखा है क्या? वो पेट से है इसलिए तो शादी नहीं हो सकती। मतलब तुम्हारे जानते हुए सब कुछ हुआ है? हम क्या कर सकते, हम तो सिर्फ पैसे दे सकते हैं, थोड़ी बहुत सौदे भाई करके। मैं शर्म नहीं आती कमीने, तुम्हारे बेटे के ऐसी औरत के साथ संबंध है? क्या क्या हुआ, क्या बात है? यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी को बताने लायक नहीं है। सच्चाई जाने संजय बगैर इतना उछलिए मत संदीप जी। आप जितना समझती उतनी बुरी नहीं है, हैं? वो भी आपकी तरह, आपकी तरह वो भी अच्छे खानदान की है जी। यदि मैं तो जानता ही नहीं लड़की है कौन। बेटे तरकीब नहीं चलने वाली है, सबसे चंगा हो गया। सुनिए देखिए, मैं पैसे देके पूरा मामला निपटा दूंगा। और आप औरत क्या कर रही है यहाँ पे? अपने अपने कमरे में चले जाइए, ये मर्दाना बात है, आपको सुलझा नहीं। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, इनको भी तो सच्चाई का पता चले। टंटी मैं सच कह रहा हूँ, इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं यार, पैसे मेरे मैं चुका रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ है? चुप कर यार, बंद करो बाप बेटों का नाटक। मैं जानता हूँ तुम दोनों को खाता इसी बैंक में। समझे जी, गंदी गंदी बातें ना करो। मैंने देखा है तुम्हें इसका दरवाजा खटखटाते हुए। मुझे क्या बोला था? मेरी दादी माँ है, जटनी है, खत्री खत्री खानदान की दादी माँ है तेरी है। मैं तुम लोगों को पहले से बोल रहा था, ये एक नंबर का कमीना झूठा आदमी है। तुम तो सब लोग मुझे ही कोसते रहे। तो सी चुप करो, ठरकी कहीं का है? अरे मेरी बीवी हाथ ना लगी तो लंगोट बांध के मेरे पीछे पड़ गया तू। बंद करो सब लोग बकवास, नहीं तो एक साथ सबकी जुबान खींच लूंगा मैं। 10-12 बच्चे नहीं है मेरे, ये इकलौती संतान है मेरी। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, सारी गलतियां मेरी हैं। कुछ भी हो जाए ये शादी हरगिज नहीं होगी। हाँ, कैसे नहीं होगी जी, है हमारी भी इज्जत है। हाँ देखी तुम्हारी इज्जत, अब ऊपर से भगवान भी आकर बोले ना तो भी ये शादी नहीं होगी। तुम क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो भैया, जिन लोगों के संस्कार ही नहीं है। बल्ले बल्ले, मैंने देखे तेरे पति के संस्कार, मैं दिखाऊंगा अपने संस्कार, दिखाऊंगा। क्यों इसके मुंह लग रहे हो? काफी सारी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइस। चुप करे मैनेजर, ये शादी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और ये होटल भी छोड़ के जा रहे हैं, और इसके बाद जो कोई भी यहाँ ठहरेगा बिल उससे वसूल ले। कंजर, ये शादी तो होकर ही रहेगी, उसके लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़े तो वो भी करा लूंगा, लेकिन शादी करके रहूंगा। किडनैप करके तुम हो गई, शांति हो गई, चल पटना यहाँ से। Yeah, yeah, yeah.